हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में। कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस एसआरएच, संडे डबल हेडर का सेकंड मैच है ये शाम को 7:30 बजे। जो पहला मैच है पंजाब वर्सेस आरसीबी, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले वो देख लीजिए, क्योंकि वो मैच 3:30 बजे है। इसके लिए आपके पास टाइम है तो ये आप बाद में देख लेना, ठीक है। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में उस मैच की भी लिंक है। और हाँ, अभी जो मैच चल रहा है ना एमआई वर्सेस डीसी का, क्योंकि मैं शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एमआई वर्सेस डीसी अभी चल रहा है, और क्या तबाही मैच जा रहा है भाई। आवेश खान, अक्षर पटेल, सब कुछ है हमारे पास स्मॉल लीग में। इवन ग्रैंड लीग में हमारी टीम में आवेश खान कैप्टन है। तबाही चल रही है ग्रैंड लीग के लिए। जो अलग से वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको आवेश खान एक टीम में सीवीसी करके दिया था, और फिर एंड में जब मैंने आपको बताया था आपको क्या क्या करना है, मैंने 10 टीम दी थी, 10 के लिए आपको जो है बताया था कैसे बनानी है, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बोला था क्लियर कि जो मिडिल ओवर्स में बॉल डालते हैं ना उनको सीवीसी ज़रूर बना। तो अक्षर पटेल को अगर आपने बनाया होगा आवेश खान के साथ, बवंडर, जोगिंदर की तरह बवंडर ला दिया होगा ग्रैंड लीग में, बहुत पीछे छोड़ दिया होगा आधी जनता को, ठीक है, आधी की आधी से ज़्यादा जनता को। आप टॉप 10 में तो एटलीस्ट होने चाहिए। इस मैच की अपन बात करते हैं। देखोगे अभी तो केकेआर और एसआरएच जो है 4th और 8th पोजीशन पे है। एसआरएच के लिए कुछ नहीं है, केकेआर के लिए है सब कुछ। इस मैच में जीतना ज़रूरी है उनको, वरना टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। पिच रिपोर्ट देखोगे और पिच के रिकॉर्ड्स देखोगे तो कहाँ पे है ये मैच, ये मैच है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। इसमें 40 मैचेस हुए हैं आईपीएल के, 22 बार जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है वो जीती है, 18 बार जो चेस कर रही है वो जीती है। रीसेंट मैचेस में एक चीज़ हमें नोट करने को मिलती है, यहाँ पंजाब 5 विकेट से जीता, केकेआर वर्सेस पंजाब का जो मैच था उसमें। आरआर वर्सेस आरसीबी में 7 विकेट से आरसीबी जीती, हैदराबाद 7 विकेट से जीती। तो लास्ट 3 मैचेस में ना स्कोर देखो अच्छा बन रहा है 150 के आसपास, और चेजिंग करते हो तो ये वेन्यू जो है और भी अच्छा हो जाता है, ड्यू वगैरह आती है तो विकेट पे और अच्छा शाइन, मतलब कुछ ड्यू आती है अगर विकेट पे आती है ना तो विकेट ड्यू आने से फ़ायदा क्या होता है, देखो बॉल स्किट करके आपके बैट पे आती है और वो चीज़ बैट्समैन को बहुत पसंद होती है। तो ये चीज़ें जो इस वेन्यू पे हो रही है। टीम्स देखोगे ना दोनों ही टीम के रिकॉर्ड, तो 12 मैचेस खेले हैं एसआरएच ने, 7 जीती है, सिर्फ 5 हारी है ये पुराने सीजन के। इस साल तो देखो 2021 में 2 मैच खेले इस वेन्यू पे, 1 जीती है 1 हारी है, जबकि केकेआर की बात करोगे 5 खेले 2 जीती है और 3 हारी है। बेस्ट बैट्समैन कौन होता है एसआरएच वर्सेस केकेआर, इस वेन्यू पे अभी तक हुआ नहीं है ये चीज़, इसलिए खाली ब्लॉक ये छोड़ा है। इस वेन्यू पे बात करोगे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बेस्ट बैट्समैन की बात करते हैं अपन, तो 371 रन के साथ आपको वार्नर दिख रहे हैं जो अनफॉर्चुनेटली एसआरएच की तरफ से नहीं खेल रहे हैं। रॉय ने इधर 1 ODI खेला उसमें 102 बनाया, 1 IPL की इनिंग जो आई थी दुबई में आई थी 60 रन उसमें बनाया था, जो इनका पहला ही मैच था। तो रॉय इंपॉर्टेंट है, अच्छा खेलते हैं इस वेन्यू पे। आगे चलोगे विलियमसन की तरफ, 7 IPL की इनिंग खेली है, 188 रन बनाए हैं विलियमसन ने। बाकी पांडे खेल नहीं रहे, बाकी कुछ खास है नहीं। नीचे से आपको अगर रिद्धिमान शाह दिख जाते हैं जो 4 मैचेस में 125 रन बना चुके हैं, ये 3 बैट्समैन जो एसआरएच की तरफ से अच्छा कर रहे हैं। केकेआर की तरफ से देखोगे तो वेंकटेश अय्यर ने 1 इनिंग खेली, यहाँ पे 67 रन बनाए, वही लास्ट मैच जो पंजाब के अगेंस्ट था। ऊपर चल के देखा अपन ने राहुल त्रिपाठी इस वेन्यू पर ठीक ठाक कर लेते हैं, 3 मैच 76। वो नीतीश राणा बहुत अच्छा करते हैं इस वेन्यू पे, वो चीज़ मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताई थी, अगर आपने इम्प्लीमेंट किया होगा तो आपने अच्छा खासा कुछ विन किया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो बैट्समैन है अच्छा करते हैं इस वेन्यू पे। देखो नीतीश राणा के 4 मैचेस हैं आईपीएल के, इधर 140 टोटल बनाए हैं 4 मैचेस में, 35 रन पर मैच के हिसाब से बनाते हैं। ये है 2-3 बैट्समैन केकेआर के, 2-3 एसआरएच के जो वेन्यू पे अच्छा कर रहे हैं। बॉलर्स की तरफ चलोगे तो 13 विकेट रसल के नाम है, रसल की इंजरी के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ आपको, नहीं खेलने वाले, ठीक है। 10 विकेट लिए हैं कुलदीप यादव ने, मतलब जितनी बुरी इंजरी उनकी दिख रही है ना मुझे नहीं लगता कि खेलने वाले हैं या रिस्क लेने वाले हैं। 13 विकेट स्पेशली इसलिए रिस्क नहीं लेंगे, अरे यार मैं बार बार बता रहा हूँ, एक ही बार बता दूँ कि स्पेशली इसलिए रिस्क नहीं लेंगे कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड चाहेगा कि रसल को T20 वर्ल्ड कप के लिए एकदम फ्रेश रखा जाए, तो IPL में तो रिस्क नहीं लेने वाले, वो एक चीज़ कन्फर्म है, ठीक है। कुलदीप नहीं है, रसल इंजर्ड है, राशिद के 13 विकेट आपको दिख जाएंगे, नीचे से 7 आपको दिख जाएंगे, नारायण के 8 है चक्रवर्ती के, तो स्पिनर सक्सेसफुल हो रहे हैं इस वेन्यू पे। लेकिन कल जो मैच हुआ था ना उसमें फास्ट बॉलर्स को इनिशियली बहुत हेल्प मिल रही थी, अर्शदीप ने जो शुभमन गिल को बोल्ड किया था वो चीज़ें देख के आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं, तो वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल ओपन करेंगे, वही अच्छा कर रहे हैं, राहुल त्रिपाठी अच्छा कर रहे हैं, नीतीश राणा अच्छा कर रहे हैं, सब के सब अच्छा कर रहे हैं इस साइड से। एयन मॉर्गन बहुत बुरा कर रहे हैं, कैप्टनसी छोड़ दो अगर कैप्टनसी ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो रन्स हैं वो निकल नहीं रहे, ना एयन मॉर्गन से आ रहे हैं ना सऊदी को जो खिलाया जा रहा है। अच्छा उन्होंने क्या किया, ब्रेंडन मैकलम जो केकेआर के कोच हैं भाई, एक न्यूजीलैंडर तो खेल ही रहा था टिम सऊदी, दूसरा लॉकी फर्ग्यूसन को इंजरी थी तो बाहर लाइकली किसको आना था, एक बॉलर बाहर गया है इंटरनेशनल बॉलर, तो इंटरनेशनल बॉलर ही अंदर आना चाहिए ना चाहे वो स्पिनर हो। ये भाई साहब लेके आ गए उसको, टिम सीफर्ट को, एक दूसरा न्यूजीलैंडर पकड़ लिया भाई, शाकिब बैठे हैं तुम्हारे पास बेंच पे,
ठीक है, माना रसल की जगह तुमने सऊदी खिला लिया, चलो ठीक है शाकिब। अब लॉकी फर्ग्यूसन बाहर जा रहे थे, अब एक बैट्समैन वो भी न्यूजीलैंडर टिम सीफर्ट को उठा के लिया है, जिनका मेन काम फिनिशिंग करना है ही नहीं, आपको लाना ही था। आपके पास हरभजन थे, आपके पास बैंड कटिंग थे जो मीडियम पेस डालते हैं, हिटिंग कर सकते हैं, उनको ले आते, शकीब थे, चलो छोड़ो ये, न्यूजीलैंड वालों की अलग पार्टी चल रही है। तो मेरे लिए वेंकटेश अय्यर इंपॉर्टेंट है, खासकर जब बॉल भी डाल रहे हैं और अच्छा डाल रहे हैं, ठीक है ये है। शुभमन गिल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये त्रिपाठी राणा मैं इसमें एक लूँगा। टॉप चार की बात होगी, मॉर्गन नहीं लूँगा, रसल तो खैर खेल ही नहीं रहे, शकीब आते हैं तो आंखें बंद करके ले लेना, नारायण बॉलिंग से अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग से कुछ अपन इनसे ज़्यादा उम्मीदें कर नहीं सकते। लॉकी फर्ग्यूसन अगर फिट हो जाते हैं तो खेलेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा है, फिर शिवम मावी की जगह जो शिवम मावी आए थे लास्ट मैच में, मुझे लगता है प्रसिद्ध को वापस ले आओ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो भी है अगर मावी खेलते हैं तो मावी कंटिन्यू करेंगे, और वरुण एज ऑलवेज अच्छा ही कर रहे हैं, ओपोजिशन जो है चाहे कोई भी हो, वरुण जो है हर मैच में एक दो विकेट आपको लेते हुए दिख रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ चलोगे, ऑलरेडी टूर्नामेंट के बाहर हो चुके हैं, बचा नहीं है तो खेल लो भाई, रॉय को खिला लिया, चलो ठीक है, एक मैच में 60 बनाए, अगले में 2 बनाए, फिर रिद्धिमान शाह अच्छे टच में दिख रहे हैं, केन विलियमसन चेस करते हुए मोस्टली अच्छा करते हैं, ये देखा गया है। प्रियम गर्ग यंगस्टर है, अंडर 19 टीम का कैप्टन थे, चांसेस और मिलेंगे इन्हें, अभी अभिषेक शर्मा प्रियम गर्ग फ्यूचर मान रही है सनराइजर्स हैदराबाद इनको अपना। अभिषेक शर्मा आप स्पेशली ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर सकते हो। अब्दुल समद हैं, जेसन होल्डर है, लास्ट मैच में 3 विकेट लिए थे, राशिद खान ने 1 विकेट लिया, 18 रन बनाए। भुवनेश्वर का फॉर्म बहुत बेकार है, विकेट्स मिल नहीं रहे, चाहे फर्स्ट इनिंग में बॉल डालें, सेकंड इनिंग में बॉल डालें, डेथ में बॉल डालें, तब भी विकेट्स नहीं ले पा रहे। संदीप की जगह सुचित को लाया जा सकता है, एक चीज़ ये हो सकती है, लेकिन ना आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सुचित है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और सामने वैसे ही बहुत सारे लेफ्टी बैट्समैन है, तो आपको एक ऑफ स्पिनर चाहिए जो मोहम्मद नबी है, लेकिन नबी के लिए आपके पास इंटरनेशनल स्पॉट जो है वो खाली नहीं, बाकी सिद्धार्थ कौल है, उनकी जगह हो सकता है कि खलील आ जाए, ये चीज़ें हैं। ठीक है, बेंच पे देखोगे शाहबाज नदीम जो कि एक लेफ्ट आर्म है, खलील अहमद जो स्टार्टिंग में खेल रहे थे, जगदीशा सुचित जो आ सकते हैं, उनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये चीज़ें हैं। प्लेइंग 11 दोनों ही टीम की डिस्कस कर लिया, हेड टू हेड वाले सेक्शन की तरफ चलोगे तो हैदराबाद और कोलकाता का हेड टू हेड देखोगे, 20 मैचेस टोटल हुए, 7 जीते हैदराबाद ने, 13 जीते हैं कोलकाता ने। मैचेस की कुछ समरी देखते हैं कि कौन कौन रिसेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है हेड टू हेड में, तो नीतीश राणा त्रिपाठी के स्कोर्स हैं, राशिद नाभी के विकेट हैं, यहाँ से पांडे बेस्टो दोनों ही नहीं है, प्रसिद्ध और पैट कमिंस का विकेट है, गिल मॉर्गन ये दोनों नहीं है, वार्नर बेस्टो दोनों नहीं है, लॉकी फर्ग्यूसन पैट का विकेट है, और पीछे चले पांडे और वार्नर के फिर से रहने जो इनके मेन बैट्समैन है, मुझे एक चीज़ समझ नहीं रही, पांडे तो इंडियन बैट्समैन है ना, वार्नर के साथ आपको दिक्कत होगी इंटरनेशनल स्पॉट आपका बेस्टो अच्छा करने, विलियमसन है, राशिद है, होल्डर है, नबी है, इंडियन बैट्समैन मनीष पांडे को क्यों निकाल दिया, 11 करोड़ में आपने लिया है उसके बाद निकाल दिया। राशिद को हर मैच में विकेट मिल रहा है, गिल हर मैच में रन बना रहे हैं, ये चीज़ देखने वाली, वार्नर भी हर मैच में रन बना रहे थे, छोड़ो वो बातें। भुवनेश्वर खलील के विकेट हैं, इधर से वार्नर के फिर से रन हैं, मतलब नहीं है, राशिद है, नीतीश राणा रसल है, एटलीस्ट मुझे लगता है ना एटलीस्ट एक मैच तो देना चाहिए इनको वार्नर को, अगर ऐसा छोड़ने भी वाले तो एक फेयरवेल मैच तो देना चाहिए, हो सकता है वो आखिरी मैच हो, देखेंगे, वो अभी तो आखिरी मैच नहीं है, ऑलरेडी टूर्नामेंट से तो खैर बाहर हो चुके हैं। तो यह है हेड टू हेड में ज़्यादा कुछ आपको दिखा नहीं, शुभमन गिल हर मैच में रन मार रहे थे, उधर से वार्नर मार रहे थे, इधर से राशिद हर मैच में विकेट है, वही चीज़ें ओवरऑल भी अगर आप देखोगे तो 915 रन डेविड वार्नर के पास है, हाईएस्ट रन गैटर थे हेड टू हेड में, ठीक है 256 रन है पांडे के पास, नीचे चल के देखा 457 रन है रिद्धिमान शाह, हेड टू हेड में अच्छा करते हैं, 30 रन पर मैच के हिसाब से बनाते हैं। फिर है दिनेश कार्तिक, ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो, नीतीश राणा ग्राउंड पे भी अच्छा करते हैं, हेड टू हेड में भी अच्छा करते हैं, 10 मैचेस खेले इन्होंने एसआरएच के अगेंस्ट, 315 रन बना चुके हैं, 175 गिल के नाम है, ये बैट्समैन जो हेड टू हेड में अच्छा करते हैं। बॉलर्स की बात करोगे 28 विकेट है भूवी के पास, बस वही है कि फॉर्म नहीं है, 10 विकेट कुलदीप यादव खेल नहीं रहे, 11 है रशीद के पास, तो भूवी और रशीद इधर से मैं अभी भी प्रेफर करने वाला हूँ, इधर से सुनील नारायण वरुण चक्रवर्ती ये दोनों लूँगा, तो चार बॉलर्स सबके रिकॉर्ड मतलब एक जैसे ही है, लेकिन इनके आउटस्टैंडिंग है वो चार नाम मैंने आपके सामने बोल दिए। बैटल देखते हैं थोड़ा सा केकेआर के बैट्समैन को कौन परेशान करता है, तो देखो रसल को 2 बार रशीद आउट कर चुके, 2 बार होल्डर और 1 बार भूवी, नीचे चल के देखा जो ओपन कर रहे हैं शुभमन गिल उनको 2 बार राशिद खान आउट कर चुके प्लस भूवी, नीचे आए जो वन डाउन बैटिंग कर रहे हैं राहुल त्रिपाठी उनको 1 बार संदीप शर्मा आउट कर चुके, नीतीश राणा को 2 बार भूवी प्लस 1 बार रशीद, इयोन मॉर्गन को 2 बार रशीद, 2 बार नबी, 1 बार विलियमसन ने भी आउट किया, 1 बार भुवनेश्वर ने भी आउट किया है, तो ये चीज़ें हैं। एसआरएच की तरफ से देखोगे तो ज़्यादा कॉम्पैक्ट जो है आपको बैटल दिखेगी, एक बैटल आपको दिखेगी रिद्धिमान शाह के सुनील नारायण के साथ, 3 बार आउट कर चुके हैं शाह नारायण शाह को, ये है पहली बैटल। दूसरी बैटल जो हो सकती है वो है आपके ऊपर जेसन रॉय वाली, जेसन रॉय का आउट कर चुके हैं शकीब अगर आते हैं तो 2 बार वो आउट कर चुके हैं, 1 बार नारायण आउट कर चुके हैं और 2 बार सऊदी आउट कर चुके हैं, ठीक है ये 2। फिर है विलियमसन,
कुलदीप यादव 4 बार आउट कर चुके लेकिन वो खेल नहीं रहे, 2 बार शकीब आउट कर चुके हैं। होल्डर की बात करोगे तो इनको भी कुलदीप और रसल ने परेशान किया। तो ऑल इन ऑल इधर से एक बॉलर दिख रहा है जिसका नाम है सुनील नारायण, दूसरा अगर लॉकी फर्ग्यूसन खेलता है तो उन्होंने किया है बैट्समैन को परेशान SRH के। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने रख दिए हैं। उतना कुछ था नहीं इस मैच में डिस्कस करने के लिए, बहुत ही बोरिंग सा मैच मुझे लग रहा है ये होने वाला है, इसलिए बाकी जो KKR वर्सेज पंजाब वर्सेज RCB का मैच है वो बहुत बढ़िया है, उसमें एनालिसिस जाके देखो मज़ा आ जाएगा। ड्रीम 11 टीम देखोगे इस मैच की तो देखो रिद्धिमान सहा, जेसन रॉय, विलियमसन, ये तीन बैट्समैन SRH की तरफ से अच्छा करें, तीनों ले लिए, राशिद भूवी और होल्डर, ये तीनों। तो SRH की तरफ से तो कोई सिलेक्शन का हेक्टिक है ही नहीं स्मॉल लीग में, प्लस KKR की तरफ से भी नारायण, अय्यर, चक्रवर्ती, ये तीन फिक्स हैं, गिल और राणा की जगह त्रिपाठी, ये दोनों रोटेट करेंगे, बाकी सारी चीज़ें फिक्स है। इसमें देखो आपके 9 प्लेयर ना एकदम क्लियर कट हैं, ये तीन वाला स्लॉट, ये तीन वाला स्लॉट, ये दो, ये अब आपके 2 प्लेयर हैं जहां आपको रिस्क लेने, नितीश राणा की जगह या तो आप राहुल त्रिपाठी, यौन मॉर्गन पे रिस्क ले सकते हो या फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर, और भूवी की जगह जो लोग कर रहे हैं आप टिम साउदी वगैरह को ले सकते हो, ये चीज़ आप कर सकते हो। 2 स्पॉट पे आपको रिस्क लेना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। इवन कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी अय्यर और होल्डर की ही रहनी चाहिए, लोगों के हिसाब से ये है और मेरे हिसाब से भी अभी इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अनटिल एंड अनलेस SRH अगर पहले बैटिंग कर रही है तो मैं रॉय को बनाने का सोच सकता हूँ, दुबई में वापस आ चुके हैं और रन दुबई पे ये पाइलअप कर सकते हैं, ये चीज़ है ना। तो ये थी ड्रीम 11 की टीम, क्रेडिट का इशू इधर भी मुझे आया नहीं है, फिर भी अगर आपको कम कंपटीशन में खेलना है और 11 चैलेंजेस पे वैसे भी किसी मैच में क्रेडिट का इशू रहता नहीं है, तो यहाँ पे भी सेम ही टीम बनाई, यहाँ पे मैंने राहुल त्रिपाठी ज़रूर लिया है, वरुण चक्रवर्ती, बाकी सब सेम है। ठीक है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी सेम है, अच्छा ऐप है, कम कॉम्पिटिशन है, रिजल्ट आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, टेलीग्राम पर आपको मिल जाते हैं अगर आप टेलीग्राम चैनल पर मौजूद हो तो। फाइनल टीम्स भी इस जो मैच की है वो आ जाएगी आपके टेलीग्राम पे, तो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन से वो ज्वाइन करना मत भूलना, कर लेना ज्वाइन, आप ही के फायदे की बातें हैं, बाकी चीज़ें तो खैर होती रहती है ना। गिव अवे भी है 11 चैलेंजर ऐप पे, टेलीग्राम पे आओगे तो उस चीज़ के बारे में भी पता चल जाएगा। तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो अच्छे से रिवाइज कर लेना, सिर्फ 12 मिनट का है तो देख लेना, ठीक है, सारी चीज़ें पॉज कर करके अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप वो नोटिस करना और फिर मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, टेक केयर, ऑल द गुड लक।